बहुत ही स्वादिष्ट रसोई टिप्स। नंबर एक, पनीर की कोई भी सब्जी बनाने के लिए पनीर को फ्राई करने के बाद गर्म पानी में डालें, इससे पनीर मुलायम रहेगा। नंबर दो, जब कभी आपको लगे कि दूध फट सकता है तो दूध में थोड़ा खाने वाला सोडा मिलाकर उबालें, सोडा मिलाने के बाद दूध नहीं फटेगा। नंबर तीन, यदि आप मठरी या शाखों को और भी ज़्यादा कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो मठरी के आटे में घी या डालडा की जगह रिफाइंड तेल का मोयन डालें, जिससे मठरी बहुत ही कुरकुरी बनेगी। नंबर चार, आलू की कचौड़ी बनाते समय कचौड़ी के भरावन मसाले में थोड़ा बेसन भून कर डालें, इससे कचौड़ी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। नंबर पाँच, जब सबसे पहले किसी नए कुकर को इस्तेमाल करें तो नए कुकर में पहले यदि दूध उबालें या खीर बनाएं तो कुकर कभी भी काला नहीं पड़ेगा। नंबर छः, चावल खुशबूदार बनाना हो तो चावल को धोकर उसमें मीठी नीम की पत्ती डाल दें, ऐसा करने से चावल बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।